यूके और यूरोप के दीगर शहरों की तरह स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में भी पाकिस्तान के साबका वजीर आजम की एक साल से गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान कौंसलेट ग्लासगो के सामने पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहरे में पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान ने शिरकत की और इमरान खान की रहाई के लिए नाराबाजी भी की गई। ग्लासगो के पार्टी रहनुमाओं अली हैदर, समीर राना, जफरुल्ला, प्रिंस वसीम और दीगर ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि इमरान खान पर कायम किए गए मन घड़त और बेबुनियाद पर्चे खत्म करके उन्हें फौरन रहा किया जाए। कि जल्द से जल्द एक तो इमरान खान को रिहा करें और दूसरा पाकिस्तान में जो अभी बहरान चल रहा है बिजली का, महंगाई का, ये सब खत्म हो और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द पाकिस्तान स्टेबल हो और इंशाल्लाह इमरान खान जरूर वापस आएगा और प्राइम मिनिस्टर भी बनेंगे। फरवरी के इंतखाबात में पाकिस्तान के आवाम ने मुल्क की सबसे बड़ी पार्टी के कायद इमरान खान और उसकी पार्टी के हक में फैसला दिया, जो इस बात का ऐलान था कि हम आपके इन गैर जमहूरी रवैयों को, आपकी इस मुस्तैयत को, आपके इस जबर के बावजूद हम उस तो जमहूरी कुव्वतों के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। लेकिन जिस तरह उन्होंने फिर फार्म 47 के जरिए उस अक्सरियत को अकलियत में बदला। उन्होंने मजीद कहा, 8 फरवरी के दिन पाकिस्तान कौम ने 2,30,00,000 से जायद वोट इमरान खान को देख साबित कर दिया था कि अवाम इमरान खान को दोबारा अपना वजीर आजम देखना चाहते हैं। इंसाफ वर्कर फ्रंट के रहनुमाओं, अहदेदारान शाहिद कियानी, नदीम अशरफ, मोहम्मद अहमद और दीगर ने कहा कि जब तक हमारा लीडर जेल से रहा नहीं होता तब तक हम शहर शहर पुर अमन मुजाहरे करते रहेंगे। कैमरामैन काशिफ इंसारी के साथ शाहिद मीर, INN News, Glasgow.